दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। बाहरी राज्य से आने वाले मजदूरों और व्यापारियों के पास बनाने का काम इन दिनों कृषि उपज मंडी समिति सोलन में प्रगति पर है। रोजाना 30 से 50 लोगों के पास बनाए जा रहे हैं। ये क्रम 15 जुलाई तक चलेगा। इसके बाद यदि कोई बिना पास के मंडी परिसर में घूमता हुआ पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। मंडी समिति ने बाकायदा इसके लिए एक टास्क फोर्स बनाई है। इसमें 5 लोगों को रखा गया है। इसके अतिरिक्त बाहरी राज्यों से आ रहे जिन मजदूरों और व्यापारियों के पास बनाए जा रहे हैं उन्हें साथ ही साथ क्वारंटीन भी किया जा रहा है। तत्पश्चात 5 दिन की अवधि पूरी होने पर कोविड-19 का टेस्ट किया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद अगले कुछ दिन तक उसे फिर अन्य कर्मचारियों से दूरी बनाकर कार्य करवाने के आढ़तियों को निर्देश दिए गए हैं। अब तक APMC द्वारा ऐसे करीब 2 दर्जन लोगों के टेस्ट करवाए हैं जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से सुरेंद्र ममटा की रिपोर्ट। हिम एग्रो केमिकल्स एंड न्यूट्रिएंट्स डील्स इन ऑल काइंड ऑफ पावर टिलर पावर स्प्रेयर्स ट्रैक्टर पेस्टिसाइड एटसेट्रा। एड्रेस कृष्णा भवन विलेज शांति राजगढ़ रोड सोलन। कॉन्टैक्ट 9418083258262912345। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के MD विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, देरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।